आखिरकार जेनी और कैरोलाइन को अपना रूम मिल गया। अब उन्हें स्टेयर्स के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। पिक्चर्स में रूम बड़ा दिख रहा था। कोई बात नहीं, उनके पास अभी भी उनकी लॉटरी के पैसे बाकी हैं। वो इन सब को अच्छे से बना सकते हैं। वहाँ कौन छिपा है? जेनी को हमेशा से कैट चाहिए थी, पर कैरोलाइन ने कहा कोई पेट्स नहीं। जेनी को इस छोटे जिंजर बेबी को छिपाना होगा। लड़कियों ने बंक बेड बनाया है। अब यहाँ सभी के लिए काफी जगह है। ये ट्यूल कैनोपी कमाल की है और हैमक ऊपर जाएगा क्योंकि कैरोलाइन को वहाँ अपना बैग नहीं रखना चाहिए। जेनी की कैट रिंगटोन डरावनी है। कैरोलाइन को शक होने लगा है और जिंजर को बैग पसंद नहीं है। यहाँ कोई खाना नहीं है। ओह, कैरोलाइन बहुत गुस्से में है। ये दीवार पर पंजों के निशान कहाँ से आए? मुझे बताओ। ओह बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट है। उसने दीवार पर ये प्रिंट इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसे कैट्स बहुत पसंद है और वो उसे रख भी नहीं सकती क्योंकि कैरोलाइन ने मना किया है। कैरोलाइन उसकी दीवार को भी सजाना चाहती है तो वो जेनी का साथ दे सकती है। अच्छी बात है उसके पास कार्डबोर्ड है पर कोई कैंची नहीं है। ये किसके पंजे हैं? कैरोलाइन ने सोचा क्या जेनी घर पर नेल्स बना रही है? नहीं, ये तो टूटा हुआ नेल है। और ये रही कैंचियाँ, अब कैरोलाइन सजा सकती है। ये काफी बढ़िया मैप है। अब कैरोलाइन ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में गड़बड़ नहीं करेगी। पर उसे कभी नहीं पता चलेगा कि कैट कहाँ है। जिंजर बहुत चालाक है। जेनी अपने बंक में लाइट लगाना चाहती है और उनके पास उसकी जरूरत का सारा सामान है। उसने कमाल का लैंप बनाया है, अब वो पढ़ सकती है। उसके नए दोस्त को भी लैंप पसंद आया। स्विच टॉय की तरह लग रहा है। शुक्रिया मॉम, ये मजेदार है। ये पार्टी की तरह है और जिंजर को पार्टी पसंद है, लेकिन हमें असली पार्टी के लिए बड़ा घर चाहिए। ठीक है, अभी के लिए खुद को शांत करो। जेनी किससे बात कर रही है? उसका इमेजिनरी बॉयफ्रेंड फिर से? उसका उस पर बुरा असर पड़ता है? नहीं, वो जिंजर से बात कर रही है। कौन सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर है? कैरोलाइन एक पढ़ाकू है। उसके बैग में पूरी लाइब्रेरी है, सारी चीजें सिर्फ किचन को छोड़कर। सच में यहाँ तक कि सोलर सिस्टम का मॉडल भी। ये बेड के ऊपर जा सकता है। वो किसी दिन स्पेस में जाएगी। अभी के लिए ये सिर्फ उसके सपनों में ही हो सकता है। वो कार्डबोर्ड फेंकेगी नहीं क्योंकि वो इससे क्यूट कैट फेस काट सकती है। अब जेनी के पास शेल्स है और जिंजर के पास दोस्त। कैरोलाइन उसके दोस्त नहीं है। क्या उसे जेनी का सीक्रेट पता लग गया? क्या ये असली कैट है? उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या जेनी अपने छोटे रूम में बड़ा मॉन्स्टर लाई है? बिल्कुल नहीं, एक असली दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगी। ये बस कैरोलाइन का वहम था। ये नए शेल्स हैं। अब कैरोलाइन के पास मेकअप मिरर है। उसके पास एक्सेसरीज में अकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड्स है। पर कार्डबोर्ड, कैंची, पेंट और ब्रश से एक कमाल का साइन बन सकता है और वो अपने मेडल्स भी दिखा सकती है। जेनी कभी अवार्ड नहीं जीती पर उसके पास चॉकलेट मेडल है। स्कूल वाटर कूलर कमाल का है। जेनी के पास भी ऐसी ही घर पर है। क्या इत्तेफाक है, जेनी के पास इस बॉटल के लिए बड़े प्लान्स हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी और अब उसके पास बढ़िया प्लांट स्टैंड है। जिंजर के घर के साथ कैरोलाइन सूंघ सकती है कि कुछ गड़बड़ है। जेनी ने उसे जल्दी से हटा लिया। ओह, कैरोलाइन को फ्लावर्स से एलर्जी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसे किसी लड़के ने फ्लावर नहीं दिया होगा। कैरोलाइन को फेक प्लांट्स बहुत पसंद है। उसके पास दीवार पर इसका पूरा गार्डन है। जेनी को ये पसंद आ रहा है। जिंजर ने पहले ही एक प्लांट खा लिया। ओह, इसे उसके सबूत मिटाने होंगे, पर जेनी इसे उसके लिए कवर करेगी। उसे सच में कैट्स पसंद है। गार्डन बर्बाद हो चुका है और कैरोलाइन का दिमाग भी और जेनी के मुंह का स्वाद भी। जेनी हमेशा जिंजर की वजह से लेट होती है। वो उसे कभी समय पर क्लास में जाने नहीं देती। ये बहुत शरारती है।
जेनी को जिंजर की पसंद की क्लॉक बनानी है। उसने इसे बनाने के लिए जो मिला उसका इस्तेमाल किया है। ओह हाँ, उसे ये जरूर पसंद आएगा। जेनी को पता है जिंजर को क्या चाहिए। परफेक्ट। जिंजर कहीं घूम रहा है और कैरोलाइन के पास नया रग है। बुरी टाइमिंग है। जेनी को लगा कि ये कैट से बना है। उसे कैरोलाइन की बुराई पर विश्वास नहीं है। CPR उसके काम नहीं आएगा। जेनी को उसकी फर्स्ट एड क्लासेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये कैट से बिल्कुल भी नहीं बना है। ओ, ये चलो इसे थोड़े बलून से सेलिब्रेट करते हैं। कैरोलाइन ने अपनी पूरी जिंदगी बलून और कैट से नफरत की है। वो हमेशा कुछ न कुछ खराब कर देते हैं, जैसे जेनी का स्वेटर। जिंजर को अपने नाखून तेज करने के लिए कुछ चाहिए, जैसे फ्लावर पॉट का यान। ये सारी गार्डनिंग कैरोलाइन को शक करने पर मजबूर कर रही है। जेनी हमेशा कहती है उसे पता है वो क्या कर रही है। प्लांट को इसी की ही जरूरत है। ठीक है, पर ये जहरीला है। तुम्हें इसे खाली हाथ छूना नहीं चाहिए था। ये कैसी बदबू है? ये अजीब सी बदबू है। ये टॉय बहुत असली जैसा है। जेनी को ये पसंद आया। वो लगभग पकड़ी ही जाती, पर कैरोलाइन को बिल्कुल नहीं पता चला किसने अपने पेट के लिए 6 घंटे फिशिंग की है, जो जिंजर ने खाई तक नहीं है। कैरोलाइन को बुनना पसंद है। जेनी इसलिए उसे ग्रैंडमा कहती है। कोई दरवाजे पर आया है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ये बकवास मजाक था। रुको, ये व्हील है। ये प्रैंक है या गिफ्ट है? वो कैरोलाइन के रूम में जा रहा है। वो इससे कुछ भी कर सकती है। उसके पास यान है और वो इस व्हील को टेबल की तरह इस्तेमाल करेगी। जितनी सजावट उतना अच्छा। पर डिलीवरी वाली ने गलती से ऑर्डर मिक्स कर दिया और टायर को गलत जगह पहुंचा दिया। कैरोलाइन के पास कोई आइडिया नहीं है। वो इसलिए नहीं आई। जेनी ने जिंजर के खाने के लिए खास एलिवेटर बनाया है। वो बहुत खाता है, शेर की तरह। पर उसने एलिवेटर को कंट्रोल नहीं किया और वो गलत फ्लोर पर चला गया। कैरोलाइन ने कैट फूड देख लिया, पर जेनी उसे बता रही है कि वहाँ कोई कैट नहीं है। ये खाना उसके लिए है। कैरोलाइन को अपने दोस्त की चिंता है। उसे इंसानों का खाना खाना है। जेनी को ये पसंद आया। उसकी एक्टिंग क्लासेस बेकार नहीं गई। कैरोलाइन को पूरा यकीन है कि उसकी रूममेट के पास कैट है। ये रहा वो। ओप्स, ये तो सिर्फ जेनी के हेडफोन है। कैरोलाइन सच में पागल हो रही है या शायद उसकी रूममेट उसको बना रही है। कैरोलाइन के पास प्लांट्स के लिए जगह नहीं बची है। शायद उसके रूममेट इसमें काम आए। ओह, उसके पास कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से माहौल बदल देगा। प्लांट्स के तौर पर आइंस्टाइन का सर। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कैरोलाइन को कुछ फर मिले हैं। इससे पता लगता है उसके रूम में कोई एनिमल है। जेनी इस इल्जाम से बच नहीं सकती। उसे किसी अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ साफ मना है कि कोई पेट्स अलाउड नहीं है। तो ये किस जानवर का फर है? ये होमो सेपियंस का लगता है। ये जेनी के बाल है। उसे एक शैम्पू और एक समझदार रूममेट की जरूरत है। नहीं, ये पक्का कैट है। तुम्हें दिख रहा है। जेनी समझा सकती है। असल में समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर जेनी को जिंजर पसंद है। प्यार किसी से भी हो सकता है। कैरोलाइन बदला लेने वाली है। शायद एक डॉग जिंजर को बाहर निकाल पाए। नहीं, वो लड़कियों से भी अच्छी तरह साथ रहेंगे। इस दुनिया में ऐसे ही सब कुछ है। कुछ लोग एजुकेशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ लोग पॉपुलर होने के लिए मिलियन बक्स खर्च कर सकते हैं। असल में कैरोलाइन को पैसों की जरूरत भी नहीं है। वो पहले से ही पॉपुलर है। जितने पैसे आपके पास है उससे ही आप अपनी जिंदगी की परेशानी खत्म कर सकते हैं। कैरोलाइन अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। वो मैथ प्रॉब्लम को पैसों से सॉल्व करती है। Oh.
जेनी की बात करें, वो अपना सारा एक्स्ट्रा कैश ट्यूटरिंग पर खर्च करती है। कैरोलाइन की तरह नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और रिजल्ट्स बिल्कुल कमाल के हैं। जेनी को पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा PI की और डिजिट्स पता है। टीचर इससे बहुत खुश है। कैरोलाइन बहुत टैलेंटेड है, वो बढ़िया चीयरलीडर है, लोकल टीम उसे पसंद करती है, पर इस टीम का नाम पुअर बुल्स है और कैरोलाइन को ये पसंद नहीं है। उसे इस टीम का फाइनेंशियल मैनेजर बनाना होगा क्योंकि वो अमीर बुल्स के लिए चीयर करना चाहती है। वाह, शायद पैसा सब खरीद सकता है। अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, तो आपको पैसा दिखाना होगा। पर आप ये टेबल कैसे ठीक कर सकती हैं? बस थोड़े पैसों की मदद से। कैरोलाइन के पास काफी पैसे हैं, जिसका वो हर सामान को ठीक करने में इस्तेमाल कर सकती है। पर टेबल में सिर्फ एक परेशानी है, चेयर भी हिल रही है। गोल्ड बार कैसे रहेंगे? ऐसे रॉकिंग चेयर झूलना बंद कर देगी। अगर पूरी दुनिया के रॉकिंग चेयर्स गायब हो गए हो तो ये शायद कैरोलाइन की वजह से होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमाल की है, पर कैरोलाइन इसे सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल करती है। उसने बस जेनी के ऊपर एक नया फिल्टर टेस्ट किया है और अब जेनी और अनपॉपुलर है। जेनी बदला लेना चाहती है, पर उसका फोन अप टू डेट नहीं है। उसे क्रिएटिव बनना होगा। उसने एक बढ़िया वीडियो बनाई है जिसमें उसे हजारों व्यूज मिले हैं। कैसा लगा? हाँ, बढ़िया रिवेंज के लिए 3 चीयर्स। जेनी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और कैरोलाइन को उस वीडियो का रिवेंज लेना है, इसलिए उसने इसे गिरा दिया। पर उसने कुछ नहीं गिराया, सब उससे खुश हो गए। इसका सीक्रेट है कि उसके ट्रे में एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है। हाँ, साइंस कमाल की है। कैरोलाइन फिर फेल हो गई। कैरोलाइन अभी भी खुश नहीं है, वो जेनी को मजा चखाना चाहती है, इसलिए उसे दूसरा प्रैंक करना होगा। उसे बस जेनी का फोन अनलॉक करना है। फिंगरप्रिंट काम नहीं किया। कैरोलाइन की किस्मत फिर खराब हो गई। जेनी को बुद्धू बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। उंगलियां उसका फोन कभी नहीं खोल सकेंगी क्योंकि वो अपने टोस का इस्तेमाल करती है। हमें कैरोलाइन और जेनी की लड़ाई को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, कम से कम एग्जाम में तो, क्योंकि कैरोलाइन ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और उसे इस बारे में कुछ करना होगा। वो चीटिंग नहीं कर सकती। इसलिए उसने कुछ स्पाई टेक खरीद लिए। वो सारे सही जवाब ईयर पीस में सुन सकती है और टेस्ट को पूरा कर सकती है। पर असल में कैरोलाइन को F मिला है। अगली बार पैसे खर्च करने से पहले रिव्यूज चेक कर लेना कैरोलाइन। जब आपके पास ज्यादा पैसे हो, स्कूल का कैफेटेरिया आपको बढ़िया खाना दे सकता है। पर जेनी की केस में उसके पास चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ एक कॉइन है, इसलिए उसने पानी का ग्लास ऑर्डर किया है। पर पानी का ग्लास भी 2 कॉइन का है। जेनी सिर्फ आधा पानी का ग्लास पी सकती है। बेचारी, किस्मत से उसके लॉकर में खाना है, पर लॉकर्स खाना रखने के लिए नहीं बने हैं। आज जेनी को भूखा रहना पड़ेगा। पर कैरोलाइन एक खास लॉकर खरीद सकती है, वो भी फ्रिज वाला। हालांकि ठंडा खाना खाना हमेशा ठीक नहीं होता, इसलिए कैरोलाइन ने दूसरे लॉकर में माइक्रोवेव सेट लगवाया है। गरम पिज्जा कमाल का है।
केमिस्ट्री शायद स्कूल में सबसे मजेदार सब्जेक्ट है। ये कैरोलाइन को भी पसंद है और वो भी पैसे कमाने के बारे में सोच रही है। वो सोच रही थी किसी भी चीज से गोल्ड बनाकर अमीर हो सकती है। उसने कुछ ऐसा बनाया है जो काम का था, पर लिक्विड काफी चिपचिपा था और अब उसे अपना हाथ धोना है। जेनी को पता है क्या करना है। बस एल्कली, फैट और पानी मिलाओ और सोप बनाओ। जेनी ने इसे बहुत जल्दी बना लिया। कैरोलाइन, तुम्हें जेनी की तरह बनना चाहिए ताकि तुम्हें कैर से अपने हाथ ना साफ करने पड़े। क्लास के लिए तैयार होना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कम से कम जेनी के लिए। कभी कभी उसका आयरन उसके कपड़े खराब कर देता है। अगर उसके पास कैरोलाइन वाला आयरन होता तो उससे वो महंगी चीजों को और महंगा बनाती। जेनी के पास सिर्फ दिमाग है, वो किसी भी टेस्ट को मजेदार ब्रेन एक्सरसाइज समझती है, पर कैरोलाइन चीजों को पुरानी समझती है। उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। दिमाग का इस्तेमाल क्यों करना जब आपके पास सब सॉल्व करने के लिए सुपर ग्लासेस हो। ये कमाल का गैजेट है, पर बदकिस्मती से इसकी बैटरी जल्दी खत्म होती है और वो इसे चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि किसी के पास ऐसी चार्जिंग केबल नहीं है। ऐसे ग्लासेस सिर्फ एलन मस्क और कैरोलाइन के पास है और आज वो यहाँ नहीं है। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको अगली बार मिलेंगे।